ट्विटर हैंडल खोलना या फिर आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करके देखना, जब मैं बिग बॉस में गया था कब, अगस्त, 8 महीने से लगातार आप देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ मैक्सटन के साथ और मैक्सटन मेरे साथ क्या कर रहा है। उसके हर ट्वीट मेरे अगेंस्ट मिल जाएगा, मुझे पोक करते हुए मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पूरे 8 महीने से लगातार पोकिंग, बीच बीच में पहले हम लोग मिले भी थे, एक शूट में मिले थे हम लोग साथ में, हम लोगों ने काम भी करा था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने देखा कि भाई इसको क्या हो गया, हम एक बार मिल रखें, ये इसको पोकबाजी करने में क्या मजा आ रहा है। मैंने सारी चैट उठा के सोशल मीडिया पर डाल दी कि मिलने जा रहा हूँ, सारी चीज़ें ठीक थी। इसने मैंने अपनी लोकेशन भेजा कि घर की, कि घर पे आ जाओ बैठ के बात करते हैं, देखते क्या दिक्कत है तुमको, पूछूं तो सही में। और अगर भाई पे कॉल रिकॉर्डिंग होगी तो इसको उसमें ये भी होगा, मैंने इसको बोला कि तेरे को घर पे थोड़ी मारूंगा, अपने घर पे ना अतिथि होता है इंसान, उसको कोई नहीं मारता भाई, तू डर मत आ जा। उससे पहले मेरे को मम्मी से मिलने जाना था, बट इनने जो स्टेटमेंट बनाई कि तुझे और तेरे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, जिसके चक्कर में मैंने इसको गाली बजी। उसके बाद थोड़ा हीटअप हो गया मोमेंट, मैंने एक काम करता हूँ मैं ही आ रहा हूँ, तू अपनी लोकेशन ही भेज दे। इसके पास ने पूरा सेटअप, पूरा कैमरा, इसको पता था क्या होने वाला है और इसको कैसे यूज़ करना। इसने वहाँ पे पूरा सेटअप बैठा है, पूरा प्री प्लान्ड, कैमरा कहाँ छुपाना है, माइक लगा रखा लेना, आप वीडियो देखोगे ना उसकी खोल के जिसमें मार खा रहा, उसमें पता लगेगा इसके यहाँ पे माइक लगा हुआ है, जब लग रही है ना यहाँ पे धप 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 की आवाज आ रही है, उसमें पता लगेगा कि सारी चीज़ ना बिल्कुल सटीक तरीके से प्लान। और एक चीज़ और वायरल हो रही है कि भाई ये तो अकेला था, तुम तो 9-10 जने थे, ये 4 जने थे भाई, में से कोई नहीं आया इसको बचाने, एक जना भी, और जो मेरे साथ लोग थे वो पीछे से, आप वीडियो में बात सुनो कि वो रोक रहे हैं, वो मार नहीं रहे, वो रोक रहे हैं। आप लोगों को कमेंट आता है कि माँ बहन ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हारी माँ के साथ ऐसे कर देंगे, मैंने कहा तुम्हें कैसा लगता है, सिर्फ कमेंट पे गुस्सा आता है, कोई तुम्हें सामने से ऐसी बातें बोलते, तुम्हारे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, तेरे माँ बाप को जिंदा जला दूंगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस पर रिएक्शन आपका क्या होगा, क्या आप उसको उससे बात करोगे, हाँ हाँ भाई ये काम करें, माचिस ले जा ले भाई, मेरे घर वालों में आग लगा दे, मुझे भी आग लगा दे, जिंदा जला दे। हम इस प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन, कि क्या आपके खून में इतनी गर्मी नहीं है, या फिर आप इतने बुजदिल हो जाओगे कि आपके घर वालों को जलाने की बात करेगा तो आप उससे जाके बैठ के बात करोगे। खुद दोबारा कॉल करा कि मुझे फील हुआ कि ज़्यादा लगी, मिल लेते हैं नॉर्मल से सॉर्ट कर लेते हैं, हमने इसको ये नहीं माना, इस FIR करवाई, ठीक है। और हमारे पुलिस प्रशासन पे भी इसने सवाल उठाए खूब, कि आप वीडियो देखोगे मेरे हाथ में आपको शायद कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि है नहीं ना वेपन ना किसी प्रकार का कोई औजार। तो हमारा भाई बड़ी सीधे तरीके से बोल रहा है कि इस पर मर्डर चार्जेस लगाओ, FIR में 307 लगाओ, किस बिना पे लगाएं, सिर्फ यहाँ पे चोट आ गई मैं मर्डर करने गया उसका, पढ़ा लिखा इंसान बताएगा ये स्पाइन होती है ऐसे टूटती है, दो दो थप्पड़ मारते कमर में तुम्हारी स्पाइन टूट जाती है, और कह रहा लावारिस हो जाते हैं, लावारिस नहीं कहते भाई उसको, आप आईजी कहते हैं पहली बात तो। तो माँ बाप को जलाने की बात आपने करी थी, मैंने नहीं करी कि मैं तेरे घर वालों को जला दूँ, गुस्से गुस्से में मैंने मुझे निकली तो जान से मार दूँ, वीडियो में भी आ रही है वो चीज़, वो गुस्से में निकलता। तो मार पिटाई मैंने करी, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि ज़्यादा मार दी भाई, अगर मैं इतना इन्फ्लुएंशियल होता, इतना मैं बड़ा आदमी होता, इतना मैं पॉलिटिकल पावर रखता तो तुम्हारी FIR भी नहीं होने देता।